बछरावा रायबरेली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम और पोस्ट ठकुराइन खेड़ा सुदोली में दो पक्षों में जमकर लाठियां चली, जिससे तीन लड़कियां और दो महिलाओं सहित 12 लोग बुरी तरह लहूलुहान हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह लगभग 6:30 बजे राजरानी पत्नी सतरोहन निवासी ठकुराइन खेड़ा सुदोली बछरावा की पालतू गाय रामकिशोर सरदार निवासी उपरुक्त के खेत में चली गयी। रामकिशोर ने राजरानी को गंदी गालियां देते हुए जोर से पीटने लगे और हल्ला सुनकर रामकिशोर के छोटे भाई रामचंद्र और उनके बेटे विमल कुमार भी राजरानी को लाठी डंडों से मारते रहे। इतना देख वो बेहोश हो गई। राजरानी को पीटता देख उनकी दोनों बेटियां सुचेष्णा और ऋतु दौड़ी तो उनके ऊपर भी हमला कर दिया और मार मार कर लहूलुहान कर दिया। सूचना पाकर घर के बाहर काम कर रहे परिवारी जन श्रीपाल पुत्र कालीदिन मूलचंद पुत्र श्रीपाल अखंड प्रताप आदि लोगों ने डंडे से मारते मारते उसको लहूलुहान कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा नुकसान अखंड प्रताप पुत्र ललूराम का हुआ है, जो कि इंटरमीडिएट का परीक्षार्थी है और उसका आज विज्ञापन का पेपर है। इस लड़ाई के बीच बचाव में अखंड प्रताप को इतनी ज्यादा चोटें आई हैं कि जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया गया है। घायल अवस्था में अखंड प्रताप अपना विज्ञान का पेपर किस तरह से कर पाएगा, ये एक प्रश्न है। क्या हुआ मामला, कैसे मारपीट हुई, कैसे अब किसने आपको मारा? किसने आपको मारा जी? रामचंद्र। कहाँ रहते हैं लोग, कैसे क्या मामला हुआ, किसने आपको मारा? दरअसल एक लेडीज को मतलब पड़ोस के है उसको मार रहे थे, बचाने गए हम लोग जी, तो वहाँ सब लोग लाठी वाठी लेके और लोग उनके आ गए, फोन किया तो सबको मारने लगे बचाने वाले। नाम बता सकते हैं जिसने आपको मारा? हाँ, रामकिशोर के लड़के हैं और रामचंद विमल और उनके यहाँ एक लेडीज है। ये लोग कहाँ रहते हैं? ठकुराइन खेड़ा में रहते हैं। आपका गाँव भी वही है? हाँ, गाँव वही है। मुद्दा क्या था, कुछ बताएंगे? मतलब वही गाय चली गई थी, गाली गलौज कर रहे थे। गाय उनके घर पे गई थी? नहीं, खेत में। अच्छा, किनारे मतलब किनारे चढ़ लिया था। कितने लोग चोटिल हुए हैं आपकी तरफ से? मेरी तरफ से करीब 6-7 लोग। दोनों बच्चों की मारपीट के साथ गाय आई थी, विवाद के चक्कर मारपीट हुई है, तो 3-4 लोगों के सर पे चोट है, 1-2 लोगों के हाथ पे चोट है, उसमें से 2-3 लोगों को रेफर कर दिया गया रायबरेली के लिए। 3 लोग थाने से आए, उसके भी थी, उसमें से एक बच्चे का आज एग्जाम है जिसके सर पे चोट है, उसको भी रेफर कर दिया गया। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।